एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5.1, जिसके 6 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है fx = फलन है। फलन के तीन मान दे रखे हैं। जब -3 से छोटा या बराबर होगा तो मोड x+3 लेना है। -3 और +3 के बीच की वैल्यू होगी तो -2x लेना है, और 3 से बड़ी वैल्यू होगी तो हमें लेना है 6x+2। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा ये गया है कि वो सभी बिंदु निकालने जहाँ पे फलन क्या है असंतत है। वो सभी बिंदु ज्ञात करने हैं जिन पर फलन क्या है असंतत है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले -3 से जो भी छोटा मान आएगा x का, उसके लिए मोड x+3 लेना पड़ेगा। और मोड x+3 क्या एक बहुपद है, जो कि x के सभी मान जो कि -3 से छोटे हैं उस पर क्या होगा, असंतत होगा। तो -3 से सभी जितने भी वैल्यू आएगी रियल नंबर से, उन सब पे क्या होगा, फलन संतत होगा। ऐसे ही जब x > 3, इसका मतलब जब x का मान 3 से बड़ा है, 4, 5, 6 जो भी x का मान 3 से बड़ा है, तो हमें फलन लेना है 6x+2। ये भी फिक्स दे रखा है, इसका मतलब x की वैल्यू जब 3 से बड़ी होगी, उन सब पे भी क्या होगा, फलन संतत होगा। तो हमारे पास पॉइंट 2 बच गई, तो -3 और 1+3। तो सब हमें करना क्या है, हमें सिर्फ -3 और +3 पे चेक करेंगे। सबसे पहले मैं x = -3 पर चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x = -3 पे फलन चेक करता हूँ। तो x = -3 पे LHL निकालेंगे। सबसे पहले बराबर लिमिट h → 0 f - 3 - h, ये -3 पे चेक कर रहे हैं। तो लिमिट h → 0 -3 है, x की वैल्यू माइनस से छोटी है, तो इस पर्सन में रखेंगे। x की वैल्यू -3 से छोटी है तो फलन सबसे पहला वाला लगेगा, तो यहाँ रख देते हैं अपन मोड -3 - kh, ठीक है। और प्लस दे रखा है 3, लिमिट h → 0, यहाँ से मोड से माइनस बाहर निकाल लिया मैंने, दोनों में माइनस कॉमन आएगा मोड की वजह से प्लस बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 + h + 3 = 6 + 0। लिमिट का यूज करने पर 3 + 3 = 6 हो गया, लिमिट h की जगह 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब मैं निकाल रहा हूँ RHL दे रखा है, लिमिट h → 0 f की जगह लेना है -3 + h, मतलब -3 से बड़ी वैल्यू। तो लिमिट h → 0 -3 से बड़ी वैल्यू लेना है, तो उसके लिए फलन दे रखा है सेकंड, इसमें दे रखा है -2x की जगह लिख देंगे -3 + h, क्या रख देंगे, x की जगह रख देंगे -3 + h रख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h → 0 +6 हो जाएगा और -2h, जब लिमिट का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाई यूजिंग लिमिट, लिमिट का यूज रखने पर h की जगह 0 हो जाएगा, तो हमारे पास RHL आ जाएगा 6। अब निकालते हैं x = -3 पर फंक्शन की वैल्यू f(x = -3, जब x = -3 होगा तो हमें वैल्यू इसमें पुट करनी है। यहाँ से आ जाएगा मोड -3 + 3, मोड का मतलब माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 3 = क्या गया 6, इसका मतलब x = -3 पर फलन क्या हो गया, संतत हो गया। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = -3। अब नेक्स्ट पॉइंट x = 3 पे चेक करते हैं। सबसे पहले वही x = 3 पर एट x = 3 LHL निकालेंगे, लिमिट h → 0 f(3 - h) 3 - h, तो वैल्यू क्या रखनी है, 3 - h, 3 से छोटा है तो सेकंड वाले में रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा -2 ब्रैकेट में x की जगह 3 - h, लिमिट h → 0 आगे लगा हुआ है, यहाँ से हो जाएगा लिमिट h → 0 -k 6 - h, लिमिट का यूज करने पर कितना आ जाएगा, लिमिट का यूज करने पर आ जाएगा -6। अब लेंगे RHL, RHL का मतलब लिमिट h → 0 f(3 + h), 3 + h इसका मतलब 3 से अधिक दे रखा है 6x + 2, फंक्शन जब 3 से बड़ा हो, तो यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h → 0 6x की जगह 3 + h + 2, ये ब्रैकेट में बंद। यहाँ से आ जाएगा लिमिट h → 0 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 18 + k 6h + k 2, लिमिट का यूज करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 18 + 2 क्या आ जाएगा 20 बाई यूजिंग लिमिट। अब मैंने देखा LHL का मान आ रहा है -6, RHL का मान आ रहा है 20, इसका मतलब LHL
इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल। पहले चलो आर एच एल दोनों का मान इक्वल नहीं है, इसका मतलब फलन एक्स इक्वल्स टू थ्री पर असंतत है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सिर्फ हमें एक पॉइंट एक्स इक्वल्स टू थ्री प्राप्त होता है जो कैसा है, इस पर फलन असंतत है। इट मीन्स एक्स इक्वल्स टू थ्री इज ओनली पॉइंट वेयर फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।